देख रहे हैं कि लगातार इसमें एक उछाल देखने को मिल रहा है और अब नए रिकॉर्ड इसमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके बीच पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर एक डिटेल रिसर्च की हमारे सहयोगी सौमित ने। सौमित अब बताइए, क्रूड में हम देख रहे हैं कि उछाल है, लेकिन असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखने को नहीं मिल रहा है। आपने एनालिसिस किया, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है इस पर? ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में हमें एक सर्ज देखने को मिला और करंटली अभी 128 130 डॉलर पर बैरल लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बट इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है उसमें अभी तक कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली है। नवंबर 4 से लेके अब तक रिटेल फ्यूल प्राइसेस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली है। इसमें अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल की प्राइसेस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि दिल्ली में वैट रेट्स कम कर दिए थे। बट उसके अलावा ब्रेंट क्रूड करीब 59% से सर्ज कर चुका है अब तक नवंबर 4 से लेके अब तक। बट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अभी भी लगभग सेम ही है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमें बता रही है कि वो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो कि पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइसेस चेंज नहीं कर रहे हैं, सो क्योंकि वो कंज्यूमर्स को बचाना चाहते हैं। ये जो अनप्रेसिडेंटेड वॉलीटिलिटी हमें क्रूड प्राइसेस में देखने मिल रही है उससे वो कंज्यूमर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो यूपी में चल रहे ये इलेक्शन, अभी पहले भी हमने देखा है जब भी कोई इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होते हैं तभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में चेंज नहीं देखने को मिलती है। तो ये चेंजेस हमें शायद कल से देखने को मिल सकती है क्योंकि आज लास्ट वोटिंग डे है यूपी इलेक्शन से, तो कल से शायद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 12 से 15 रुपए से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर हम करंट क्रूड प्राइसेस को फैक्टर इन करना चाहते हैं तो। और अगर ये चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं क्रूड प्राइस रिटेल फ्यूल प्राइसेस में जो कि पेट्रोल और डीजल है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है इस पर इसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं रिटेल फ्यूल प्राइसेस में तो। तो बिल्कुल, आज आखिरी चरण है यूपी इलेक्शंस का और उसके बाद ये बढ़त देखने को मिल सकती है, ये हमारा मानना है। पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा कि कितनी बढ़त उसके बाद देखने को मिल सकती है, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।